नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस चेहरे को देखना है, उस खुशी को लाना है, नरेंद्र मोदी को हारते देखना है, अमित शाह का वो घमंडी चेहरा जो संसद में उठ के चिल्लाया करता था उसको झुका हुआ देखना है। जब राम के अवतार राहुल गांधी कहेंगे मैं ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित इस संविधान की मर्यादा का पालन करूँगा, मैं इस पद की गोपनीयता को बनाए रखूँगा, उस दिन का दृश्य क्या होगा? पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में भूकंप आ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। सारे एयरपोर्ट में छा जाओ, कहीं मोदी 4 जून को झोला उठा के भाग ना जाए और तली पर उसके पीछे ना भागे। ये झोला भाग 4 जून को लेकर ना भागे, इसलिए सभी लोग एयरपोर्ट घेर लो। पंडित जी, वोटिंग हो गई है 7वें चरण की, अब जो है रिजल्ट आना है। पूरे टीवी में जो है एग्जिट पोल चल रहा है कि मोदी जी की सरकार बन रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार गरीबों की बन रही है, इंडिया एलायंस की सरकार बन रही है, हम तो आश्वस्त हैं और खुश भी हैं इस बात को लेकर कि इस बार इंडिया एलायंस 350 के पार जाएगा और ये भाजपा वाले 100 से 150 में सिमट जाएंगे। हम तो इतना आश्वस्त हैं, हमने तो अपने आदमी भी हर जगह पानी तरह से लगा दिए, ईवीएम के हर तरफ लगभग, जो इंडिया एलायंस के लिए तो बिल्कुल सीट ही नहीं है, एनडीए के लिए तो चल रहा है ना मेनस्ट्रीम मीडिया में कि लगभग मेनस्ट्रीम मीडिया दलाल है, दलालों की बात हम नहीं करते। जिनको हेलीकॉप्टर मिला हो दलाली करने के लिए, वो तो अपने बाप के ही गुनगाएंगे ना, पापा की परी तो पापा के ही गुनगाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें पूरे चुनाव को, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से बौखलाए, बहुत खुश हो रहे थे, हमें इतनी हंसी आ रही थी कि एक एक प्रधानमंत्री का बयान जो जो खराब हुआ, समझो हमें उतना वोट मिला। जब इन्होंने भगवान को अपना भक्त बताया, सारे हिंदू और नाराज हो गए। हम तो इस बार आश्वस्त हैं कि इंडिया की 47% जनसंख्या हमें वोट करेगी, इंडिया अलायंस को वोट कर रही है, युवा कर रहा है, किसान कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं, सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही कि हमें क्या करना है। अब तो 4 जून को रिजल्ट है, वोटिंग हो गई है, हम तो बल्ले बल्ले मना रहे हैं। हम तो भैया कुर्सी तैयार है राहुल गांधी के लिए, खड़गे जी के लिए, जो भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने, कोई भी बन सकता है, लेकिन तड़ी पार और चौकीदार तो नहीं बन पाएगा। अच्छा, ये खुशी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मान लीजिए कि रिजल्ट आपके पक्ष में आता है तो कैसे खुशी मनाएंगे आप? क्या क्या देखिए, खुशी नहीं मनाएंगे, सच में आज़ादी के दीपक जलाएंगे। हम आज़ाद हुए हैं 10 साल बाद, डांस वांस तो करेंगे। देखिए डांस हम साथ में क्या होता है, खुशी होती है, लेकिन कहना आज़ादी के दीपक जलाएंगे कैसे बताइए ना, क्योंकि हम लोग आप बोल पाएंगे, कहीं जा पाएंगे, हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे, फसाद नहीं होगा, किसान दिल्ली आ सकेगा, अपनी मांग रख सकेगा, मीडिया स्वतंत्र होकर सवाल कर सकेगी। हम तो खुश हैं, कितना बदलाव हो जाएगा देश में। मैं एक बात तो कह सकता हूँ, मोदी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है हारने के बाद। कहाँ जाएंगे मोदी जी? जेल भी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मानसिक चिकित्सक भी जा सकते हैं, वो वहाँ भी आ सकते हैं, मनोवैज्ञानिक केंद्र भी आ सकते हैं वो, क्योंकि उनकी जुबान में जो अब लड़खड़ाहट है, जो डर है उनके चेहरे में दिख रहा है, उनका बयान देखिए, आपके विपक्ष मुजरा कर रहा है वोटरों के लिए, मतलब आप अपने वोटरों के आगे मुजरा करते हैं, ऑर्केस्ट्रा लगवाते हैं। आपने बागेश्वर वाले बाबा को भेज दिया दुबई फंड के लिए, आओ मेरे लिए, कैसा पाखंड है। अच्छा, मोदी जी 4 जून को क्या कर रहे होंगे? इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो मीडिया मोदी मोदी कर रही है, इसका क्या होगा 4 जून को? ये रोएंगे, इन पे मुकदमा होगा। किस पे? ये जितने भी एंकर हैं इन सब पे मुकदमा होगा, फर्जी न्यूज़ फैलाने के आधार पे, फर्जी बातें करने के आधार पे, इनकी आय की संपत्ति की जांच की जाएगी, इन सब पे घर ईडी लगाई जाएगी। सब चिंतित हैं, बौखलाए हैं और कुछ नहीं है। अब अगर चुनाव आयोग ने बदमाशी की तो चुनाव भी हमारे हक में होगा, हम कोर्ट से फैसला लेके आ सकते हैं, हम उसका ही विकल्प लेके बैठे हैं। कहीं ना कहीं हम चारों तरफ से खुशी मना रहे हैं, हमने सारे विकल्प तैयार करके रखे हैं, हमारी सरकार बन रही है,
हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। देखिए ड्रामा और पब्लिक अलग है, लेकिन खुशी जो होती है वो अंदरूनी होती है। आप बताइए, एक लाख को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, दिव्या की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हाथरस वाली को शांति नहीं मिलेगी, इन सभी लोगों को शांति मिलेगी। तो पंडित जी आप खुशी के मारे रो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जनता के जो आंसू निकले हैं उस दिन वो खुशी होगी कि हाँ हमें न्याय मिला, उस न्याय की खुशी होगी। 4 जून को जब वो गुलामी के ये छूट जाएंगे, जब लोग कहेंगे कि हमने दिया, हमने कुछ नहीं दिया, ये आपका पैसा आपको मिला, वो जब 8,500 रुपये महिलाओं के अकाउंट में पहुँचेंगे तो वो खुशी का चेहरा होगा, उस चेहरे की खुशी देखनी है। जब युवाओं को 8,500 रुपये महीना मिलेगा उस खुशी को देखना है, जब MSP में कानून बनेगा उस खुशी, किसानों की खुशी को देखना है, जब वो बल्ले बल्ले करके मिठाई बांटेंगे, जब किसानों का कर्जा माफ़ होगा तब उस चीज़ को हम देखेंगे। 1-2 लाख करोड़ रुपया माफ़ करना कांग्रेस के लिए बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बड़ी बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं के जो खाता है उसमें खटाखट 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 4 जून के बाद सारी योजना लागू होने के बाद यहाँ खटाखट ही काम होगा। आपको लाठियाँ नहीं खानी पड़ेंगी, आपको मार नहीं खानी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं दुत्कारा नहीं जाएगा, आपको अपनी ऐसा नहीं हो कि विपक्ष के जो नेता है जिन्होंने लूटा है वो सटासट जेल जाए। वो तो ED आने के बाद मालूम चलेगा कि किसकी कसना गई है। 29 नेताओं को कौन अंदर रखा, 23 को तो क्लीन चिट भी मिल गई भ्रष्टाचारियों को, केजरीवाल भी जा रहे हैं जेल। देखिए जो भाजपा से मिला वो साफ हो गया, इस पे जवाब दोगे, इन सबकी फाइल खोली जाएगी और खड़ा कर जेल जाएगा, ये खड़ा कर जेल जाएंगे, याद रखना। अब मैं तो एक बात और स्वर करके कह रहा हूँ कि इस बार सब कुछ अगर सही चला, मैं दावे से कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे, वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस चेहरे को देखना है, उस खुशी को लाना है, नरेंद्र मोदी को हारते देखना है। अमित शाह का वो घमंडी चेहरा जो संसद में उठ के चिल्लाया करता था उसको झुका हुआ देखना है, ये खुशी है हमारे अंदर। जो किसान की मौत हुई है वह किसान वो बेटे को फांसी चढ़ते हुए देखना चाहता है, वो खुशी देखनी है। हम तो उस खुशी का इंतजार कर रहे हैं 4 जून का, और हमें जो खुशी है मिलेगी वो हमारा भगवान देगा, और हमें पता है कि हम जीत रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से कि अपनी सारी सेना लगा दो, यूथ कांग्रेस ICC सब लग जाओ, सारे एयरपोर्ट में छा जाओ, कहीं मोदी 4 जून को झोला उठा के भाग ना जाए और तड़ी पार उसके पीछे ना भागे, ये झोला भाग 4 जून को लेकर ना भागे। इसलिए सभी लोग एयरपोर्ट घेर लो, सारी जनता 4 जून को एयरपोर्ट पे पैनी नजर रखना, खासकर गांधी जी के लिए निवेदन है। क्यों पैनी नजर रखे, भाग ना जाए कौन देश छोड़ के झोला उठा के, मैं तो फकीर हूँ झोला ला के चल दूंगा। के सब कुछ देख रहे हैं हम लोग, हम चुनाव आयोग को भी घेरने की प्लानिंग कर रखे हैं, हम जीत रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं, हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी फिर नानी के यहाँ ना चले जाए, पूरा भूकंप मचेगा जब राहुल गांधी शपथ लेगा, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, उस दिन का तरह से देखो वस्तु, चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानियाँ हम समझ रहे हैं, चिंता ना करो। कहीं राम मंदिर पे बावड़ी ताला ना लग जाए, कुछ नहीं लगेगा, कोर्ट का आदेश है, अनपढ़ों को ये भी बात नहीं पता है, मंदिर पे ताला लगवाना चाहते हैं, पढ़े लिखों को सारी बातें पता है, परेशान ना होइए। अब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा इसका मतलब ना? नहीं, हिंदू राष्ट्र कैंसिल हो गया। अब क्या बनेगा? अब यहाँ पे बनेगा संवैधानिक राष्ट्र, अब यहाँ आएगा लोकतंत्र, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगा, सांसदों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, गुंडाई नहीं की जाएगी, किसानों को कुचला नहीं जाएगा, किसानों को गोली नहीं मारी जाएगी, वीडियो घसीना नहीं जाएगा। हिंदू तो फिर से खतरे में आ जाएंगे। अरे इन ना मर्दों के रहने पर अगर हम खतरे में हैं तो चले ही जाएं फिर, अब सारे पदों में हिंदू बैठ के फिर भी हम खतरे में हैं, देश का गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सारे अधिकारी हिंदू, फिर भी हम खतरे में हैं, तो ये ना मर्द हैं फिर तो। मतलब हिंदू खतरे में नहीं है? नहीं अरे भाई, नाम खतरे उतरे में नहीं है, ये खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 जून को इनका खतरा मंडराएगा, भूकंप आ जाएगा जब इंडिया एयरलाइन 300 पार करके सरकार बनाएगी। मैं एक बात दावे से कह दूं, प्रधानमंत्री की जो मुरझाया चेहरा उस पर देखना, तुम उस पर लोग कमेंट करेंगे, हंसेंगे,
बहुत तानाशाही करे हो तुम, बहुत तानाशाही। अब मुस्कुराने के दिन हमारे आए हैं। प्रधानमंत्री 4 जून को गए और क्या दृश्य होगा जब राम के अवतार राहुल गांधी कहेंगे मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित इस संविधान की मर्यादा का पालन करूँगा, मैं इस पद की गोपनीयता को बनाए रखूँगा। उस दिन का दृश्य क्या होगा? पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में भूकंप आ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। वो दौर देखना है, वो खुशी युवाओं की जिन्होंने राहुल गांधी के लिए बलिदान दिया है, उनके परिवार की खुशी देखनी है। पूरा नेता नगरी में, पूरा आरएसएस संघी, ये सबको डरते देखना है। जब शपथ होगी तो ये डरेंगे, क्योंकि इनके कार्यालयों को तोड़कर हम गरीबों का मकान बनवाएंगे। आने वाले दौर में वो दृश्य भी देखने को मिलेगा जिस दिन गृह मंत्री के पद पे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बैठकर एजेंसियों को कंट्रोल नहीं करेगा।